नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले ही पूछ लेता हूं, आप लोगों में से कौन कौन है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है, उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बीएचयू से बीए करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो कौन कौन से रिक्वायर्ड सेक्शन है जो कि सीयूटी के सेक्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो को आप देखोगे तो बाकी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं बीएचयू बीए के लिए, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, स्टार्टिंग के पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी मार्क्स, निगेटिव मार्किंग, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आप इस एक वीडियो में प्राप्त कर लोगे। और यहीं पे मैं आपको बता भी दूंगा कि बीएचयू से बीए आर्ट्स और सोशल साइंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बीएचयू पाठशाला का आप हर एक वीडियो फॉलो कर रहे होंगे, बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम लोग आपके पूरे प्रिपरेशन के दरमियान 100 वीडियोज ला के देंगे और आपको इस चैनल को 100K ले जाना है। ये आपका ही चैनल है, सो प्लीज इस परिवार का हिस्सा बने। और आप कमेंट्स किसे, मैं सिंगल एक कमेंट्स को पिक आउट करूंगा, यदि वो रिलेवेंट रहा, बहुत बढ़िया कमेंट रहा, तो उसको पिक आउट करके उस पर वीडियोज बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि बीएचयू से बीए करने के लिए वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सीयूटी के सेक्शन से वो सेक्शन ऑफ करने हैं फॉर्म भरने के दरमियान। स्टार्टिंग में मैं आपको बोला कि दो पॉइंट समझाऊंगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल में क्या डिफरेंस है। ये जो आर्ट्स है ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, अप्रॉक्स 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट है, यानी आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें 30 से ज्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस इसमें आ जाएंगे, फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज है, जापानीज है, बंगाली, बहुत सारे इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस को मिला के आर्ट्स फैकल्टी में कॉम्बिनेशन बनाया जाते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट्स भी रखे गए हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन इसके जो परसेंटेज है कॉम्बिनेशन के वो कम मिलेंगे। वो ज्यादा कहां मिलेंगे, तो वो मिलेंगे सोशल साइंस में, इसीलिए बच्चे जनरली सोशल साइंस जो है वो प्रीफर करते हैं। सोशल साइंस में सीटें थोड़ी कम होती है, मान लो पूरा पेड वोड मिला के 500-550 सीटें, आर्ट्स में लगभग 750 सीटें। ये बस मैं एफएमसी की बात कर रहा हूँ, बाकी एमएम भी है, 4-5 अलग एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक बात समझाऊंगा, ठीक है। तो सोशल साइंस अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा कि आर्ट्स और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो उस पर दे दूंगा। अब जो रिक्वायर्ड सेक्शन फॉर मेरिट है उसको समझो, यहां पे आपका सेक्शन 1 और ये है आपका सेक्शन 3, सीयूटी में आप लोग देखे होंगे। सेक्शन 1 जो है वो आपका लैंग्वेज का है, किसका है, लैंग्वेज का है। आपको बीएचयू से बीए करने के लिए या तो हिंदी ऑप्ट करना है या तो आपको इंग्लिश ऑप्ट करना है, साथ ही साथ आपको सेक्शन 3 ऑप्ट करना है जिसका नाम है जनरल टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीटी बोलते हैं। ये अच्छे से आप लोग देख लो। यहां पे एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चों का जो कमेंट रहता है वो एक कमेंट ही रहता है कि सर सपोज हमने कोई दो डोमेन भी ले लिया तो क्या डोमेन का जो हमारा डिडक्शन है, जो नेगेटिव मार्किंग है, वो क्या इस पे इफेक्ट डालेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब भी मेरिट बनेगा उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का असर किसी दूसरे पे पड़ेगा। डोमेन अपने आप में सेपरेट है। सपोज कोई बच्चा जो है वो एक दो डोमेन भी ले लिया जबकि उसको पता है कि उस डोमेन में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आपको अपने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उस सेक्शन में अच्छा करना है। हर एक सेक्शन अपना इंडिविजुअल मार्क्स क्रेडिट करेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि डोमेन का इफेक्ट लैंग्वेज पे और लैंग्वेज का इफेक्ट डोमेन पे पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां पे इस कॉम्बो पैक में इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे, यानी कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये बीए का कंबाइंड क्रेडिट है,
कंबाइंड मेरिट है। तो ऐसे में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को आपको बढ़िया करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि जनरल टेस्ट में कम मार्क्स आया या ज्यादा गलती कर दिए तो लैंग्वेज के मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक सेक्शन के जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो इंडिविजुअल में फ्री हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे समझो। जो यहां पे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी भाषा से पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है 40। आपको 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है, इसमें ध्यान देना है। 50 दिए जाएंगे जिसमें आपको 40 ही अटेम्प्ट करना है। अब आप सोचोगे कि कैसे कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, वहां पे आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी मोड में होने वाला है। कैसे होने वाला है? सीबीटी मोड में होने वाला है। यहां पे कुछ इस तरीके से कोई एक ब्रैकेट दिया होगा, मैं आपको बताता हूं। सपोज कि यहां पे आपकी स्क्रीन है, ठीक है, इसमें पूरे ऐसे 50 क्वेश्चन सपोज ऐसे ऐसे दिए गए हैं नंबर डाल के। जैसे ही आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आपका ये पूरा फुल हो जाएगा। आप देखोगे कि आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आपके सेलेक्ट होके आते रहेंगे। इसमें 50 है, इसमें 40 आते ही ये बॉक्स फुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40, और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। उसी तरीके से जनरल टेस्ट को देखा जाए तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 60। कितने हैं? 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, लेकिन इस 60 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 50 ही अटेम्प्ट करना है, ध्यान देना है। इसमें भी बदलाव हुआ है, इस बार सबसे बड़ा बदलाव तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप सरप्राइज हो जाओगे। और आप अभी से सोचने लगोगे कि सर हम इस पे फोकस करें, इस पे फोकस करें, किस पे ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें। 60 में से 50, 50 में से 40, इसका मतलब टोटल 90 क्वेश्चन आपके क्रेडिट मार्क्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन का सेक्शन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ये आपका हो गया कुछ कैसे 200 के आसपास, ये आपका 250 के आसपास। लेकिन यहां पे एक सरप्राइज बात मैं आपको बताऊं क्या है, BHO जो है इस लैंग्वेज के मार्क्स को पूरा कंसीडर नहीं करेगा। 2022 में ऐसा ही था। देखो हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का एक क्या प्रोस्पेक्टस रिलीज करता है बिफोर काउंसलिंग। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा CUET का तो उससे थोड़े दिन पहले या उसी दरमियान एक और नोटिस आती है जो कि अपना यूनिवर्सिटी अपने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर साथ ही साथ CUET और NTA को भी शेयर कर देती है, और उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा गया रहता है कि अब आपका मार्क्स आ गया है, हमें इस कोर्स के लिए ये जो है सेक्शन चाहिए। उसमें और भी कुछ बदलाव कर देते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे लैंग्वेज का 50% ही चाहिए जितना मार्क्स आप पाए हो, GT का 100% चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक लड़का इसमें पाया 180 मार्क्स और इसमें पाया आपका 200 मार्क्स, ठीक है। GT में 200 लड़का पाता है और 180 पाता है लैंग्वेज में, तो ये लैंग्वेज का ये लोग 50% 2022 में रखे हुए थे। उम्मीद है कि इस बार भी इसी को फॉलो करेंगे वो लोग। अब इसको 50% करने मतलब ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 290 आपका टोटल मार्क्स, यानी 290 ही होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? ऐसा नहीं है कि इस 200 को 100 में कन्वर्ट करके फिर अकाउंट करेंगे कितना मार्क्स आया, नहीं, वो उसको 200 ही मान रहे हैं। बस उसके जो आपके ऑप्ट मार्क्स हैं यानी जो आपके मिले हुए मार्क्स हैं उसका 50% ही ये लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अभी इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप ये डिसाइड कर सको किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस होना है। इट मीन्स कि 100% अगर जनरल टेस्ट को ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, वी हैव टू फोकस ऑन द जनरल टेस्ट मोर। लैंग्वेज एक ऐसा सेक्शन होता है कि जनरली आप उसमें अच्छा कर जाओगे, मेरा यह उसमें एक्सट्रीमली बिलीव है। जो BHO पाठशाला के बच्चे हैं वो तो 100%, क्योंकि लैंग्वेज के जो मैडम है बड़ा अच्छा वो कंटेंट देती है, उनका कंटेंट काफी अच्छा है। जनरल टेस्ट जैसा मैंने उसका सिलेबस दिया था बहुत बड़ा है, उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो BHO से BA करना चाहते हैं वो जनरल टेस्ट ही डाल के उनके लिए बहुत बड़ा सिलेबस बना दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट है क्या। अच्छा आगे पॉइंट नहीं है, होपफुली कुछ पॉइंट्स मैं आपको ओरली समझा रहा हूं। आपका एग्जाम CBT मोड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, किसी प्रकार का आपका कोई पेपर नहीं दिया जाएगा वहां पे, ठीक है।
जो भी चीजें करनी है कंप्यूटर की स्क्रीन पे करना है। चार ऑप्शन होंगे और उसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, एक गलत करने पे 1/5 डिडक्ट होगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है एनटीए की तरफ से और आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो सबको मार्क्स दिया जाएगा जो जो अटेम्प्ट किया हुआ है। सपोज कोई क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है और उस चारों ऑप्शन को एनटीए ने खुद ही गलत डाल दिया है या चारों ऑप्शन सही डाल दिया है तो जो अटेम्प्ट किया है उसी को दिया जाएगा। साथ ही साथ कभी कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एनटीए जो है वो इंग्लिश में दिए गए क्वेश्चन को ही कंसिडर करेगी। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन हिंदी वाले गलत हो जाते हैं, इंग्लिश वाले सही होते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान देना है कि जब कोई क्वेश्चन पढ़ना, अभी एग्जाम के टाइम में बताऊंगा, तो इंग्लिश वाला अगर नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश वाला भी पढ़ लेना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद रहा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। BHU पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये है, इस नंबर पे आप कॉल करके BHU पाठशाला का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 999 में कोर्स अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो ऐसे में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। BHU पाठशाला का हर एक वीडियो देखें, मिशन 2023 और BHU पाठशाला 100 वीडियोज फॉर 100K। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस बेहतरीन परिवार का आपको हिस्सा बनना है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान देना, अभी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कि एक ही वीडियो में क्लियर नहीं हुए हैं, तो कमिंग वीडियो में कवर करूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे हर महादेव।